नमस्कार, प्रतिदिन समाचार में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले देखते हैं खबरों की सुर्खियां। सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगी कांग्रेस, संकल्प शिविर में दे रही प्रशिक्षण। पीलिया को लेकर निगम की कार्रवाई तेज, बॉटलिंग प्लांट और बर्फ फैक्ट्री की लिस्ट तैयार। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वालों के साथ घूम रहे निगम के अफसर, घर घर दे रहे हैं डेमो। और फिल्म मोर जोड़ीदार ने जीता दर्शकों का मन, कलाकारों के अभिनय की हो रही है तारीफ। देख लेते हैं खबर विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अगले चुनाव में जीत को लेकर लगातार जनता के बीच जा रही है। अब अपने ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने संकल्प शिविर लगाया जा रहा है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार की कमजोरियों को आम जनता के बीच लाया जा सके। वहीं भाजपा ने इसे महज दिखावा ही बताया है। ग्राम स्वराज या लोक स्वराज अभियान के दौरान कागज में शिकायत लेने से वोट नहीं मिलेगा। परेशान जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसे कमल नहीं दिखेगा, बटन पंजा का ही दबेगा। यह दावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने किया है। इनका कहना है कि कांग्रेस के लिए पूरी 90 विधानसभा सीटें विशिष्ट है, किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी लगातार संकल्प शिविर में पहुंच रहे हैं। पुनिया की माने तो कांग्रेस संकल्प शिविर के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुट चुकी है। बूथ स्तर पर चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा सेनापति तैयार किए जा रहे हैं। पुनिया ने बताया कि जहां एक ओर भाजपाई अपने विकास की यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास के लिए जनता तरस रही है, और इसी का नतीजा है कि आज पत्थरगढ़ी जैसे आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने देश टीवी से चर्चा के दौरान कहा कि हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में रमन सरकार चर्चित है। गाँव के हर छोर के लोग अब भाजपा के भ्रष्टाचार से वाकिफ हो गए हैं। गरीबों को लाभ नहीं दिया गया और सीएम से लेकर मंत्री तक सभी घोटाले में डूबे हुए हैं। संकल्प शिविर के दौरान बूथ के कार्यकर्ताओं को बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आम जनता तक रमन सरकार की पोल खुल सके। इस बार सभी सीटों में जिताऊ प्रत्याशी को उतारा जाए, इसके लिए एक्सरसाइज चल रही है। बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान देश के विकास में, आज़ादी में, वो है। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का एक मात्र उनका योगदान है, हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, सबसे भ्रष्ट सरकार यही है। और जगह जगह चर्चा है, गली गली में चर्चा है इस बात की कि रमन सिंह सबसे भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने जो घोटाले किए हैं, जो गरीबों की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने दिया और उसमें घोटाला करके अपनी जेबें भरी हैं, रमन सिंह के पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं, इनके हर मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वो भी सब पूरा बता रहे हैं। और संगठन मजबूत करेंगे और उसी का प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि जिनके भ्रष्टाचारी रवैये से आम जनता वाकिफ है, वही लोग भाजपा पर ताने मारकर खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं। उपासने ने कहा कि कांग्रेस से तो विपक्ष की भूमिका निभाने की ताकत आम जनता ने छीन ली है। भाजपा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि भाजपा सदाचार से शासन चलाने में विश्वास रखती है। भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी दिखता है, जिन लोगों ने 60 साल तक भ्रष्टाचार किया उनको सदाचार कहां नजर आएगा। देश की जनता ने भ्रष्टाचारियों को ही सत्ता से बाहर कर दिया, भ्रष्टाचार के आधार पर ही आज लंबे समय से बाहर है। विपक्ष की स्थिति बनने लायक भी नहीं है। देश के जहां जहां राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को जनता पसंद नहीं की कर रही है, इसलिए जो चश्मा लगा के रखे वही चश्मा देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो न खाएंगे न खाने देंगे के सिद्धांत पर काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास की भाव से काम कर रही है। यहाँ पर परिवारवाद या भ्रष्टाचारी परिवार की यहाँ पर नहीं है, यहाँ कोई बेल या जेल में नहीं है, यहाँ सब जो है साफ सुथरे और काम करने वाले लोग हैं, इसलिए भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचारी दिखेगा। बहरहाल संकल्प शिविर के जरिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, ताकि कोई गुटबाजी ना रहे। साथ ही राज्य सरकार पर भ्रष्ट होने के आरोप को साबित करने में
कांग्रेस जुटी हुई है, वहीं भाजपा ने इसे कोरी भपकी करार दिया है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक दलों में चुनावी रणनीति को लेकर काफी उठापटक देखी जा रही है। कांग्रेस किसी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है, खासकर योगी पार्टी से तो कतई नहीं। ऐसे में जनता कांग्रेस ने प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ कांग्रेस ने गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बसपा और जनता कांग्रेस से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। पुनिया ने बताया कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पुनिया ने कहा कि यहां सभी नेता एकजुट है, हर एक कार्यकर्ता का चेहरा सामने रखा जाएगा। देश टीवी से चर्चा के दौरान पुनिया ने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाकर पार्टी छोड़ने वालों से हमारा गठबंधन हो नहीं सकता। वहीं बसपा से भी कोई चर्चा नहीं होने की बात पुनिया ने कही। उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है और 90 सीटों पर जीत भी होगी, जिससे गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। हम 90 के 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 90 सीटों पर संकल्प शिविर लगा रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारी है। और हमारा संकल्प है कि 90 के 90 सीटें जीते, तो कहाँ गठबंधन की गुंजाइश रह गई। और जो छोड़ गए, जिन्होंने पार्टी में रह के पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया, उनको साथ किसी तरह की समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और बहन जी से भी कोई कुछ नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई, अभी कोई किसी तरह की गठबंधन की कोई चर्चा नहीं है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पुनिया के बयान को हास्यास्पद बताया। जेसीसी के प्रवक्ता नितिन भंसाली ने कहा कि हमारी पार्टी को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। इस बार प्रदेश में जोगी के दम पर ही सरकार बनेगी, इसे आम जनता भी जानती है। हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन का किसी प्रकार का कोई न तो इरादा है और न ही कोई आगे कोई प्लान है ऐसा। हम हमारे बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ के फैसले छत्तीसगढ़ में होंगे, पूरी तरीके से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। और प्रदेश के विधानसभा चुनाव हम हमारे बलबूते पर लड़ने जा रहे हैं और हम दावा करते हैं कि एक अच्छे बहुमत के साथ हम इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहरहाल चुनाव के पहले राजनीतिक दल आपस में लगातार आरोप प्रत्यारोप कर चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में आम जनता के पाले में ही सारा दारोमदार है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। राजधानी के गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा पहले से गरमाया हुआ है। राजधानी में बीते दिनों पीलिया बीमारी के मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसे में जनता के स्वास्थ्य खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। निगम ने शहर में बॉटलिंग प्लांट और बर्फ फैक्ट्री में लगातार कार्रवाई करने का आदेश अपने अधिकारियों को दिया है। शहर में गंदे पानी की वजह से पीलिया फैलने के बाद नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। इसके चलते उन तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है जहां से बीमारी फैलने का डर है। इसी कड़ी में नगर निगम अमले ने आइसक्रीम फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की। यहां गंदे पानी से बर्फ बनाया जा रहा था। बता दें कि शहर के अधिकांश बर्फ फैक्ट्रियों में गंदे पानी से बर्फ बनाया जा रहा है। इन्हीं बर्फों का आइसक्रीम बनाने में उपयोग किया जा रहा है, लिहाजा इससे स्वाभाविक तौर पर जलजनित बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। नगर निगम आयुक्त रजत बंसल ने मीडिया से कहा कि लगातार बर्फ फैक्ट्री पर कार्रवाई नगर निगम कर रहा है। निगम ने अब बॉटलिंग प्लांट, बर्फ फैक्ट्री और पानी पाउच निर्माताओं की लिस्ट बना ली है। आयुक्त ने बताया कि कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग का अमला भी निगम को पूरी तरह से साथ देगा। साथ ही आम लोगों में खानपान पर जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि वे भी ऐसे रोगों को लेकर सचेत रहे। नगर निगम द्वारा लगातार बर्फ फैक्ट्री पे कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में अभी हमने लिस्टिंग भी कर ली है शहर के सभी बर्फ फैक्ट्री की और बॉटलिंग प्लांट्स की भी, जहां पर पानी पाउच का भी निर्माण होता है, तो इन पे भी हम लगातार कार्रवाई करेंगे। और साथ में ही हमने स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ अधिकारियों से निवेदन किया है कि वो भी हमारे साथ इसमें आगे आने वाली कार्रवाई में रहेंगे और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेंगी। और साथ में ही हम जागरूकता भी फैला रहे हैं लोगों में कि कभी भी किसी बर्फ का यदि सेवन करें तो उसमें चेक कर लें कि वो किस कहाँ से है और उसका क्या उपयोग होना है। खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम के अधिकारियों को लंबे समय से मिल रहे शिकायतों पर कितनी कार्रवाई होती है यह तो समय ही बताएगा। देश टीवी के लिए